स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक में है और आप फोन पे यूज करते हैं और फोन पे में कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो घबराइए नहीं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए हम क्या करते हैं, अपने फोन पे को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने मित्र को पैसा भेजकर देखते हैं कि पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, उनका नाम लिखकर सर्च कर लेते हैं। आप चाहें तो नंबर से भी पैसा भेज सकते हैं किसी को। चलिए यहां पे पैसा इंटर करके हम क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं और यहां से जो भी मेरा 6 डिजिट का गुप्त नंबर है यानी कि UPI पिन है उसको इंटर करके पैसा भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो करते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी कि बार बार हम ट्राई कर रहे हैं किसी को भी पैसा भेजने का तो इसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आपको बता दें कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो हम आपको बताएं कि अगर आपका भी ATM डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, जैसे मेरा जो ATM कार्ड है पिछले महीना 9/2024 यानी कि पिछले मंथ में एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देखेंगे, मैं साफ साफ दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पिछली मंथ में मेरा ATM कार्ड जो है डेबिट कार्ड या पूर्ण रूप से एक्सपायर हो गया है, इसलिए मेरा फोन पे एक सप्ताह वर्क किया है उसके बाद वर्क अब नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मेन वजह है कि आपका जो ATM कार्ड है एक्सपायर हो गया, अब आपका फोन पे किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। आप चाहेंगे तो अकाउंट से जाकर पैसा निकाल सकते हैं, वहीं फोन पे से किसी को भेजेंगे तो नहीं जाएगा, गूगल पे से भेजेंगे तो नहीं जाएगा। इसका एक ही ऑप्शन है, आप अपना न्यू ATM कार्ड अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आपका न्यू ATM कार्ड आया है तो उसका पिन जनरेट कर लीजिए और पिन जनरेट करके इसमें ऐड कर दीजिए। फोन पे गूगल पे में ऐड करके आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। जब तक नहीं ऐड करेंगे यही समस्या आपको बार बार दिखाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।